भीड़ चाहती है और प्रेम एकांत चाहता है। रामचंद्र शुक्ल का ये कथन आप सब जानते हैं कि जहाँ श्रद्धा होती है, चाहे ईश्वरीय शक्ति में हो या आयुर्वेद में हो या किसी भी चिकित्सा पद्धति में हो, वहाँ लोग ये चाहते हैं कि भीड़ ज़्यादा हो और प्रेम एकांत चाहता है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप ये चाहते हैं कि उस रिश्ते में सिर्फ मैं ही रहूं, लेकिन श्रद्धा अंधी होती है, श्रद्धा विश्वास वाली होती है और हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई संकट और परेशानी आती है और हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं कुछ ना कुछ ये कार्य करूं जिसे मेरा जीवन में जो भी समस्या है वो समाप्त हो जाए। आप अभी हम धार्मिक यात्रा के तहत आज जोधपुर जिले की ओसिया विधानसभा क्षेत्र और बापिणी पंचायत समिति बापिणी तहसील में गांव है, एक छोटा सा गांव है, वहां हम पहुँचे हैं। प्लासड़ा नाम का गांव है जहां पर एक धाम बन रखी है जिसमें जय श्री जीवनदायिनी दुर्गा माँ धाम है और यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ आयुर्वेद की मान्यता है और साथ में दुर्गा माता का भी आशीर्वाद है और यहाँ पर कई प्रकार के रोगी आते हैं और उनको आयुर्वेद के माध्यम से, दवाई के माध्यम से, जड़ी बूटियों के माध्यम से, क्योंकि आयुर्वेद तो आपको कथा जब त्रेता युग की बात करेंगे, भगवान श्री राम की बात करेंगे तो लक्ष्मण के जब बाण लगा था तो उनको सजीवनी बूटी दी गई थी। हम देखते हैं कि आज यहाँ पर किस तरह भक्तों की भीड़ है और यहाँ पर भक्तों की भीड़ है और लोग यहाँ पर श्रद्धा से सिर झुकाने आए। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आरती हो रही है, आपको आरती का सीधा यहाँ पर देखा कि जो वर्तमान समय में जो नशा है वो व्यक्ति का नाश करता है। जब नशा मनुष्य का नाश करता है तो उसका मस्तिष्क और उसका विवेक समाप्त हो जाता है, लेकिन जो ये परिसर हमने आपको दिखाया है पहले, इस परिसर में नशा मुक्त व्यक्ति होना आवश्यक है क्योंकि नशा नाश का द्वार है। हमारे साथ एक श्रद्धालु है यानी श्रद्धा रखने वाले माता जी के, हम इनको भक्त कह के नहीं पुकारेंगे क्योंकि इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि हमारे यहाँ पर पूजा नहीं होता, यहाँ पर डोरा ताबीज का नहीं होता। हम उनसे जानना चाहेंगे। जय माता दी। जय माता जी। शुभ नाम आपका? मेरा नाम श्री राम है। श्री राम जी, ये जो आपका जो कार्य स्थल कहूँगा मैं, क्योंकि ये आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो, नशा मुक्ति का काम कर रहे हो, तो ये इसकी लोकेशन एग्जैक्ट बताइए जो देश के लोग हैं वो जान सके। यहाँ का लोकेशन है प्रथम तो जोधपुर जिले में, ये पड़ासला गांव है, पड़ासला गांव के अंदर ओसिया तहसील और बापिणी उप तहसील। यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं और माता जी के यहाँ द्वार आने के बाद में जो भी प्रकार का ताबीज है, डोरा है, कोई भी प्रकार की वस्तु है, वो अगर बंदी हुई चीज़ खुलवा कर माता जी उसे मुक्त करते हैं और कोई भी प्रकार की अन्यथा तकलीफ है, जैसे कैंसर है, टीबी है, हार्ट की बीमारी है, लीवर की बीमारी है, हृदय की है, किडनियों की है, हरणियों की है, सिकल सेलनी है, अन्य बड़ी बड़ी बीमारी का माजिक तंबा यहाँ उद्धार करते हैं। और जो भी प्राणी सच्चे मन से आते हैं यहाँ पूछताछ नहीं होती है, यहाँ कोई भी नारियल डोरा डांडा कुछ भी बनाया नहीं जाता है, यहाँ माता जी की प्रार्थना ही सबसे बड़ी महत्व है और जो भी भगत आते हैं यहाँ प्रार्थना करके अपना जीवन का उद्धार प्राप्त करते हैं और उन्हीं को माँ जीवन दान प्रदान करती है। हमने यहाँ पे देखा कि श्रद्धा के साथ यहाँ पर आयुर्वेद का भी चमत्कार है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, यहाँ पे अगर मान समझो कि माता जी ने यहाँ सूरत अगर जो अपना सोनगढ़ के अंदर से वहाँ अगर जो पहाड़ियों में से दवाई लाई जाती है, यहाँ पे माता जी के आशीर्वाद से यहाँ दवाई दी जाती है और आज यहाँ कम से कम 15-16 साल हो गए, 15-16 सालों से अगर माता जी सेवा चल रही है और सूरत में भी माता जी धाम बन रहा है और यहाँ ये धाम 2019 दसवें महीने में माता जी दजा स्थापना हुई थी और 2020 जून महीने में हम लोग वापस आए थे यहाँ पे लॉकडाउन के टाइम में, और लॉकडाउन में यहाँ पे पौराणिक मंदिर बंद थे लेकिन जीवनदानी दुर्गा माँ का धाम लॉकडाउन में भी 5,000, 6,000 आठम के दिन भी पब्लिक एक्टिव होती है और किसी प्रकार का माता की दया से किसी को कोई तकलीफ नहीं और यहाँ पे ब्लैक फंक्स वाले लोगों को भी माता जी ने बहुत बड़ा अगर जीवन दान दिया है और यहाँ आयुर्वेदिक दवाई दी जाती है, कोई हॉस्पिटल दवाई नहीं है, देसी जड़ी बूटी दवाई दी जाती है। यहाँ पर हमने कई श्रद्धालुओं से बात की तो उन्होंने कहा यहाँ कैंसर के हजारों पेशेंट तैयार हुए हैं, तो उसका कोई रिकॉर्ड आपके पास उपलब्ध है? जी, मेरे पास बहुत ही अगर बड़ा है, लेकिन अगर समझो कि मैं माता जी आज्ञा के बगैर किसी को अगर चोपड़ी दिखा नहीं सकता क्योंकि माता जी ने चोपड़ी दिखाने के लिए माता जी ने साफ सुथरा मना किया है और यहाँ अगर जो पड़ासला धाम के आने के बाद में भी माता जी ने 300 और कुछ अगर प्राणियों को कैंसर से मुक्त किया और 378 अगर प्राणियों को माजक थम्बा ने संतान प्रदान की है और बाकी प्रकार के अगर लोग नाना प्रकार के अगर बीमारी से माता जी ने मुक्त किया उन्हें को। तो नशा के खिलाफ आपकी जो मुहिम है उसका विशेष कारण क्या है कि आज युवा पीढ़ी मान लें, यहाँ पर बुजुर्गों के मान लें कि चिलम लेके बैठ जाते हैं और हमारे इस जोधपुर संभाग की बात करें, बाड़मेर की बात करें, तो वहाँ तो नशा एक आमंत्रण का भी माध्यम हो गया, स्वागत का भी माध्यम हो गया, तो आपके मन में ऐसे क्या जिज्ञासा हुई कि हम नशा मुक्ति के लिए प्रेरणा दें भक्तों को?
क्योंकि जो नशा एक ऐसी चीज़ है, नशे से इंसान की इंद्रियां कमजोर हो जाती है, नशे से फेफड़े खराब हो जाते हैं, नशे से अगर इंसान के अगर जो क्या बोलते हैं जाड़े खराब हो जाते हैं, नसों से हर प्रकार की अगर परेशानी होती है, उसी के आधार वो इंसान बहुत ही अगर विपरीत अगर गहरी अगर मान लो समझो कि परेशानी में चला जाता है, और उसी के माध्यम से पीछे उसकी संतान भी अगर बर्बाद होती है, उन्हीं के अगर मान लो समझो स्त्री भी तकलीफ पाती है कि अगर मान लो समझो कि हम लोग पैसे बहुत कमाते हैं लेकिन वो पैसे नशे के अंदर चले जाता है और घर में अगर बहुत ही बड़ी विपदा खड़ी हो जाती है, और नशा अगर करके वो अपने परिवार को बहुत कष्ट पहुँचाता है, और वो यहाँ आते हैं तब कहते हैं कि अगर गुरुजी हमारे पास में अगर पैसे नहीं है और हमें माता जी कुछ करवाए तो अगर पूछते हैं कि आपका अगर नशा क्या, तो बोला हम अमल लेते हैं, डोडे लेते हैं, हम ये नाना प्रकार के दारू पीते हैं, ये चीज़ें नशा करते हैं, तब कहते हैं कि आपका पैसा आपकी बरगत और आपके जो भी अगर रिजग है वो तो आप खुद अगर पी कर अगर मतलब समझो कि बर्बाद करते हो तो पैसे अगर बरगत कहाँ से होगा। और भगवान किसी को करोड़ों रुपया मांगने से नहीं देते, भगवान उसी की अगर मेहनत में अगर फल प्रदान जरूर करते हैं। आपने कहा प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति होती है, राम ने यहाँ देखा कि आपने जो 10 मिनट का ध्यान करवाया उसमें मैंने खुद ध्यान किया, उसमें बहुत ऐसी अदृश्य शक्ति का ऐसा आभास हुआ कि हम जैसे सोते हुए तो रात को 10 घंटे नींद आंखें बंद रखते हैं और यहाँ 10 मिनट में ऐसे लग रहा है कि हाँ कुछ अदृश्य शक्ति तो ऐसी है जो हमें बहुत ऊर्जावान बना रही है। तो एक जैसे माता की बात मंदिर की बात करें, जैसे कोई सी माता करें और भैरू जी की बात करें या कोई भी देवी देवता हमारे हिंदू धर्म की बात करें सनातन की बात करें, तो लोगों ने एक इनको धंधा बना रखा है और वहाँ पर हमने देखा है कि बकरियों की बलि होती है, शराब चढ़ाई जाती है, क्या माता रानी को ये पसंद है शराब? नहीं, माता जी को शराब पसंद नहीं है, क्योंकि माता जी को ये शराब पसंद होती है, अपनी औलाद को अगर मान लो माँ बाप को अगर बर्बाद होने थोड़ी देते हैं, अपनी औलाद को तो माता पिता अगर मान लो बचाने की कोशिश करते हैं हमारे बच्चे बिगड़े नहीं, और माँ ऐसा नहीं चाहती कि मेरे भगत खराब हो और मेरे भक्तों के साथ में कोई भी प्रकार की अन्यथा तकलीफ हो, माँ ये कभी नहीं चाहती। बिल्कुल, ये हमारे साथ माता जी का मंदिर है और एक धाम, और मैं अप्रत्यक्ष रूप से आपको यह कहना चाहूँगा यहाँ पर श्रद्धा और आयुर्वेद का संगम है, संयुक्त यहाँ समाधान है, और यहाँ जो नशा के बारे में नशा मुक्ति, और सबसे बड़ी बात आजकल हमने देखा कई धामों पर पूछा होती है कि हम आपका भविष्य बता देंगे, हम आपका भूतकाल बता देंगे, यहाँ इन्होंने स्पष्ट कहा कि हम पर कोई पूछा नहीं करते, न भविष्य बताते न भूतकाल बताते, प्रार्थना में वह अदृश्य शक्ति, और नशा के बारे में उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। और हमने कई मंदिरों में कवरेज इसलिए नहीं कि हम बंगाल भी गए, कालीघाट के मंदिर भी गए, वहाँ हमने देखा कि बकरों को काटा जा रहा है, तो देवी के नाम पर ऐसे जो ढकोसले है वो हमारे सनातन संस्कृति को खराब करता है और हमारे प्रकृति और हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। श्रद्धा में इतनी ताकत होती है, ये हमारे साथ एक भक्त जुड़े हुए हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे किस प्रकार का यहाँ आयुर्वेद का और माता जी की प्रार्थना करने से जो चमत्कार हुआ, कहाँ से हुआ? हम बाड़मेर गिड़ा तहसील शंकरनाथ गोस्वामी मेरा नाम है, हमारे मेरे छोटे भाई के हार्ट के ऊपर कैंसर के गांठ थी 300 ग्राम की, हार्ट के ऊपर मैं यहाँ जोधपुर दिखाया तो कोई इलाज नहीं लगा, एम्स में देखा तो भी उन्होंने इलाज नहीं लगा, अहमदाबाद गया मैं सिविल में समय नहीं लगे वहाँ इलाज नहीं लगा, उनके पास प्राइवेट गया मैं क्लास हॉस्पिटल गया भी इलाज नहीं लगा, हैदराबाद गया, हैदराबाद जाने के बाद मैं चंडीगढ़ गया, चंडीगढ़ के बाद भी उन्होंने डॉक्टर मिला, उसने अमेरिका भेजा, मैंने हमने 2 महीने वहाँ रही। कौन से डॉक्टर ने भेजा आपको अमेरिका? उनका भेजा अपना जल्दी खड़े हुआ कौन से हॉस्पिटल गया उन्होंने भेजा, उसका कोई इलाज, उसने बोला कि आप यहाँ चले जाओ, बाद हम वापस घर आ गए। आप अमेरिका गए उस टाइम? हाँ। अमेरिका वालों ने क्या कहा आपको? आप घर ले जाओ उसको, अच्छा ये बचेगा नहीं, आपको बचेगा नहीं, कोई इलाज नहीं इनका, कैंसर की गांठ है, याद किया तो मुझे 3 दिन से जब हम वहाँ से घर आ गए, घर आने के बाद हमारे सासा रहते कोसिया, सासा ने बोला कि हमारे पास में एक धाम है जीवनदानी माँ दुर्गा का, वहाँ ले जाओ, मैं अकेला आया गया, बोला भक्त देवी है और ये फिर लेके गया, अब हाँ फिर भी बिल्कुल मेरा भाई ठीक हो गया, अब कंसल कराया बिल्कुल, कोई दवाई नहीं ली, कोई दवाई नहीं ली, आयुर्वेदिक दवाई दी 5 दिन श्री राम जी ने, उसे बिल्कुल कंसल कराया। बिल्कुल आयुर्वेद की इतनी महत्ता है कि ये खुद अपने जुबान से बता रहे हैं, बाड़मेर के रहने वाले इनके भाई को ही अमेरिका ले गए थे और वहाँ भी डॉक्टरों ने कह दिया कि इलाज नहीं है, और उसके बाद यहाँ आयुर्वेद की दवा लेने के बाद ये जगह का क्या नाम है? बड़ासला धाम, जीवनदानी माँ दुर्गा, बड़ासला धाम में आए और वहाँ पर आयुर्वेद की दवाई ली और माता के प्रति प्रार्थना की और इनका भाई आज स्वस्थ है। बिल्कुल, वो आ जाएंगे साथ में, तो आठम के आएंगे, ये देवी की श्रद्धा है, देवी का समर्पण है और आयुर्वेद का चमत्कार है। जिस प्रकार भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण को जब सजीव बाण लगाया था तो सजीव बूटे के माध्यम से उनका जीवित किया था,
ये निश्चित है। प्रार्थना में बहुत कह सकती है और आयुर्वेद तो भारत का एक ऐसा आधार स्तंभ रहा है जिसमें पूरे विश्व को दोष नहीं दिए और इन्होंने अपनी जुबान से बताया कि हम अमेरिका हमने 900% ठीक है कैंसर कैंसर मैं खुद आया हूँ गिड़ा सोड़ा शिव बहुत बहुत इनकी जुबान है और इनकी जुबान से इन्होंने बताया और अपने भाई के लिए बताया माता के दरबार में बताया तो निश्चित रूप से ये सत्य की कसौटी पर खड़े खरा उतरने वाली बात हो सकती है। Please like, share and subscribe and don't forget to